हेलो एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं शेयर करने वाली हूँ ब्रेड और बेसन से बना हुआ सैंडविच। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप इस रेसिपी को बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर आप इसे डिनर में भी बना के इसे सर्व कर सकते हैं। ये बेसन और ब्रेड से बना हुआ सैंडविच है तो ये बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक होता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बनाएं कि कैसा बना है। बेसन और ब्रेड का सैंडविच बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है। ब्रेड, चावल का आटा, बेसन, हरी मिर्ची, प्याज, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, टमाटर, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, स्पाइस मिक्स और ओरिगेनो। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम एक बॉल को ले लिए हैं, इसमें हम बेसन को डालेंगे, चावल का आटा, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, ओरिगैनो। आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं, ये रेसिपी बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है। चिली फ्लेक्स, पिज्जा स्पाइस मिक्स, ये सब कुछ डालने से बहुत ही टेस्ट इसका जबरदस्त आता है। ब्लैक पेपर। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हम गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारा जो घोल है वो अब तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तब तक हमने ब्रेड को लिया है और एक गोल शेप वाली ग्लास या कटोरी आपके पास जो भी हो उसे ले लीजिए और इसे बीच से कट कर लेंगे। अब हम इसे बीच से कट कर लेते हैं। देखिए हमने इसे बीच से कट कर लिया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा इसका शेप निकल गया है। दूसरा ब्रेड भी हम इसी तरीके से कट कर लेते हैं। दूसरा ब्रेड भी हमने लिया और इसके ऊपर ग्लास को डाला और इसे भी हमने कट कर लिया है। बाकी के बचे हुए ब्रेड को भी हम इसी प्रोसेस से कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे चौकोर शेप में भी कट कर सकते हैं। अब हमने गैस पे एक पैन को चढ़ा दिया है और अब हम इसमें घी को डाल दिए हैं। घी के मेल्ट होते ही हम इसमें ब्रेड को डाल देंगे और ब्रेड के बीच में जो हमने कट किया है उसमें हमने जो बैटर तैयार किया है उसे इसके अंदर फिल कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसे फैला लेंगे और बस हमने जो ब्रेड को कट करके साइड में रखा है अब हम इसके ऊपर उसको लगा देंगे। हाथ से हम इसे हल्का हल्का दबा देंगे ताकि ये बेसन में अच्छी तरह से चिपक जाए। हम इसे चारों तरफ से पैन से हल्का हल्का इसे घुमा देंगे ताकि पलटने में हमें आसानी हो। अब हम इसके ऊपर घी को डाल देते हैं। घी डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी होगा इसीलिए इसके ऊपर हम घी डाल रहे हैं। इसे हमें दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक इसे हमें सेकना है। मैंने इसे पलट दिया है, दूसरी तरफ से भी हम इसे क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। हमारा जो सैंडविच है वो अब बनके तैयार है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। दूसरा भी सैंडविच हम इसी तरीके से बना लेंगे। देखिए दूसरा सैंडविच भी हमारा बनके तैयार है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। बाकी के बचे हुए सैंडविच को भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। हमने सारे बेसन और ब्रेड के सैंडविच को बना के तैयार कर लिया है और इसे मैंने सॉस के साथ सर्व किया है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा बेसन और ब्रेड सैंडविच बनाने का रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।